मेधावी यानी बुद्धिमान व्यक्ति, कर्म कैसा भी हो, कर्म कर्म है, करना चाहिए। अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, लोग कहते हैं ये बुरा कर्म है, क्या ये झाड़ू मारते हो, शर्म नहीं करनी चाहिए, कर्म करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। आपने सुना भी होगा कर्म कर्म है, कर्म करना चाहिए। जब जैसी परिस्थिति आ जाए और जब जैसा काम करना पड़ जाए, करना चाहिए हृदय से, हंसते हंसते। ये भगवान कह रहे हैं, न द्वेष्टम अकुशलम कर्म। कभी कभी ऐसे कर्म भी आदमी को करने पड़ते हैं जो नहीं करने चाहिए, जो करने योग्य नहीं है, फिर भी समय मजबूर कर देता है तो उनको करना चाहिए, वो भी हंसते हुए हृदय से। न द्वेष्टम न द्वेष्ट कुशलम कर्म, कुशले न अनुसज्जते। और कुशल कर्म को जैसे करते हैं ऐसे ही अकुशल कर्म को भी करना चाहिए हंसते हुए। और कुशल ये ऐसे अटैचमेंट नहीं, मोहित नहीं होना चाहिए, नहीं जी मैं तो ये काम नहीं करूंगा, मुझे तो ऊंचा काम करना है, मुझसे क्यों ये काम करवाते हो। नहीं, संतों को देखिए, महात्माओं को देखिए, वो अपने आश्रम की झाड़ू अपने हाथ से मारते हैं, अपने बर्तनों को साफ करते हैं। बड़े बड़े महात्मा दूसरों के बर्तनों को उठा के साफ करते हैं, शर्म नहीं करते उस विषय में। कर्म करना चाहिए, कर्म में शर्म कैसी, कर्म में लाज कैसी। चोरी करने में लाज आनी चाहिए, बुरे कर्म करने में यानी चोरी डाका बेईमानी, इनमें शर्म आनी चाहिए। कर्म करने में कैसी शर्म, कर्म कर्म है, चाहे वो झाड़ू मारने का कर्म हो या जूते गांठने का कर्म हो या केले बेचने का कर्म हो या कलम पकड़ के कर्म करने का कर्म हो। जैसा कर्म विधि ने दे दिया है हक में वैसा करना चाहिए प्रसन्न हृदय से। त्यागी समाविष्ट सम सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द इंटेलिजेंट रिनाउंसर सिचुएटेड इन द मोड ऑफ गुडनेस नीदर हेटफुल ऑफ इनऑस्पिशियस वर्क नॉर अटैच्ड टू ऑस्पिशियस वर्क हैज नो डाउट्स अबाउट वर्क। सत्व में समाविष्ट जो सत्वगुण में है, मोड ऑफ गुडनेस जो सत्वगुण में, त्याग जो होता है वो त्यागी कर्म का त्याग नहीं करता, कर्म फल का त्याग करता है। और कर्म कैसा भी हो उसका त्याग नहीं करता, चाहे वो छोटा कर्म हो या बड़ा कर्म हो, उसको खुशी खुशी करता है। यानी छोटे कर्म से नफरत करता है और बड़े कर्म से अटैच हो गया है कि नहीं मैं तो यही करूँगा जी, नहीं, जो मिले समय के अनुसार उस कर्म को करता है। ये सत्वगुणी त्याग है, वो संचालन करते हैं उसके जीवन को जिंदगी भर, वही कर्म करवाते हैं, वही प्रेरणा देते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा, वही महाईश्वर उपद्रष्टा है, वो आपके प्रत्येक कर्म को देखते हैं बारीकी से, आपके विचारों को भी जानते हैं। छोटे से छोटे विचार को परमात्मा जान जाता है कि आप क्या विचार कर रहे हैं, और उसका जान ही नहीं जाते, उसका प्रतिफल देते हैं। उपद्रष्टा, इसलिए उनको उपद्रष्टा कहा है, वो तमाम जीवों के उपद्रष्टा है। अनुमंता सलाहगार भी वो है, आप सलाह लें उनसे तो उनसे बड़ा सलाहगार कोई नहीं है। उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता, वही आपका भरण पोषण करते हैं। भोक्ता, और वही आपके माध्यम से भोग करते हैं। महेश्वरा, वो महाईश्वर उनको कहा है, परमात्मा परम आत्मा। आप परमात्मा नहीं, आप आत्मा हैं। परमात्मेति चाप्युक्तो, उनको परमात्मा कह के बुलाया जाता है। परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मि पर पुरुषा पर, प्रत्येक देहे के अंदर वो परम पुरुष विराजमान है। वो आपके कर्मों को भी देख रहे हैं,
तो प्रॉपर्टी ये शरीर आपका हुआ या उस परमात्मा का जो इसके अंदर बैठे? नहीं, आपके पास जितना भी है उसको अपनी दौलत न मान के परमात्मा की दौलत मानिए, उसको अपनी प्रॉपर्टी न मान के परमात्मा की प्रॉपर्टी तो वही है, आप नहीं है। ये पूरी पृथ्वी उनकी है, आपकी नहीं है। इस पर अन्न पैदा हो रहा है या गेहूं पैदा हो रहे हैं, चावल पैदा हो रहे हैं या बारिश बरस रही है, सब भगवान की है। उनकी कृपा से हम गुजारा करते हैं। तो प्रोप्राइटर उनको रहने दीजिए, आप मत बनिए, मालिक वो है। इस भाव से जीवन को जियो कि ये सारी संपदा उस प्रभु की है, मेरी नहीं। और वो जैसे जैसे प्रेरणा देंगे मैं इसको खर्च करूंगा, तो परमात्मा आपको कभी प्रेरणा नहीं देंगे कि इसको आप फिजूल खर्च कीजिए, इंद्रिय तृप्ति में लुटाइए। परमात्मा आपको सलाह देंगे कि ये मेरी प्रॉपर्टी शुद्ध जगहों पर काम आनी चाहिए, गलत जगह पर नहीं, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, वरना नहीं। और इसलिए भगवान ने कहा है कि इसको श्रेष्ठ त्याग कहा है, जो फल के त्याग करता है, कर्म का त्याग करता है, वो उसको मान्यता नहीं दी भगवान ने। बोलो कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, कर्म तो करना ही चाहिए, चाहे छोटा कर्म हो या बड़ा कर्म हो, कैसा भी कर्म हो, कर्म तो अवश्य करने चाहिए, लेकिन कर्म का जो फल आता है उसका त्याग नहीं करना चाहिए। कर्म के फल का त्याग करना चाहिए, कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, कर्म फल का त्याग करना चाहिए। और कर्म फल का त्याग क्या है, उसके ऊपर अपनी मालकियत नहीं जमानी चाहिए, यही कर्म फल का त्याग है। और तो कैसे त्याग करोगे? ये तो नहीं भाई 30 दिन आपने कड़ी मेहनत की और 30 दिन के बाद जो वेतन मिला आपको, मिला तनख्वाह मिली, उसको आपने वहीं छोड़ दिया या मना कर दिया कि नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं तो त्यागी हूं, मैं तो नहीं चाहिए, मुझे वेतन नहीं। फिर क्या खाओगे, कहां से कपड़े पहनोगे, कहां से अपने नन्हे नन्हे बच्चों को दूध पिलाओगे? नहीं, मालकियत का त्याग कर दीजिए और उस पैसे को, उस कमाई को उन कर्मों में व्यय कीजिए जिन कर्मों से प्रभु प्रसन्न होते हो। यह समझ के कि यह उस प्रभु की ही देन है और उसकी ही सेवा में जानी चाहिए, यह त्याग, ये फल का त्याग है और यह श्रेष्ठ त्याग कहा है भगवान ने। समझ गए होंगे आप, समझ गए तो बड़ी कृपा है। त्याग की बात हो रही है, पकड़ के बैठने की नहीं, लोभ की नहीं। यज्ञ दान तप है कर पावन पावनानी मनीषी नाम, ये मनीषियों को, महापुरुषों को भी पवित्र करते हैं, फिर हमको क्यों नहीं करेंगे? मेरे जैसे अशुद्ध व्यक्ति को अवश्य ये करते रहना चाहिए। नैत्याज्यम यज्ञ दान तप है कर्म नैत्याज्यम कार्यम ये तत्, इनको तो कार्य समझ के, परम कर्तव्य समझ के करना चाहिए, अपनी ड्यूटी समझ के करना चाहिए कि ये मेरी ड्यूटी है, मैं इस मनुष्य योनि में आया हूं, मेरा कर्तव्य है कि मैं यज्ञ करूं, दान करूं और तप करूं। अगर ये नहीं करते तो आप कुछ भी करते हो सब व्यर्थ है, या दुख के ही उद्गम स्थान हैं बनेंगे। यदि ये तीनों को नहीं करते तो सुख ही नहीं मिल सकता, सुख ही नहीं हो सकता व्यक्ति। फिर भगवान से मिलना या जन्म मरण जरा व्याधि इनसे छुटकारा पाना, वो तो बहुत दूर रह जाएगा। यज्ञ दान तपह कर्म नैत्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानी मनीषिणाम, ये पवित्र करते हैं आपकी भावना को, निखारते हैं, शुद्ध करते हैं। और जितनी जिसकी भावना शुद्ध है उतना ही वो सुखी और आनंदित है, उतना ही भगवान के करीब है, उतना ही उजाले में है। जिसकी भावना जितनी गंदी है उतना ही अंधकार में है, उतना ही प्रभु से दूर है, उतना ही दुखी है।
अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवत्या भवत्यत्यागिनाम प्रीत्य नेतु सन्यासिनाम क्वचित. फॉर वन हु इज नॉट रिनाउंस्ड द थ्रीफोल्ड फ्रूट्स ऑफ एक्शन desirable, undesirable, and mixed, acute after death. But those who are in the renounced order of life have no such result of suffer or enjoy. जो भगवान ने यह कहा है कि जो वास्तव में त्यागी हैं, जिन्होंने फल का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को सन्यासी भी कह सकते हैं. सन्यासी भी चार प्रकार के हैं, गृहस्थी भी चार ही प्रकार के हैं, वेदों में इनका वर्णन हुआ है. ब्रह्मचारी भी चार ही प्रकार के हैं और वानप्रस्थी भी चार ही प्रकार के हैं. सन्यासी श्रेष्ठ स्तर पर त्यागी है क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान की सेवा में ही कर्म करता है, सेवा करता है भगवान की. कर्मों को त्यागता नहीं, लेकिन कर्म के फल को पूर्णतया त्याग देता है. शत प्रतिशत तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा. वो समझता है कि प्रभु की संपदा प्रभु को अर्पण नहीं करूं तो फिर किसको करूं. प्रभु को रिझाने के लिए हर वस्तु का वो त्याग करता है. कर्म का त्याग नहीं करता. कर्म का त्याग करता है वो तो सन्यासी सन्यासी नहीं कहलाता, वो तो आडंबरी कहलाता है. कर्म करता है. मन से करो, वाणी से करो, वाचा मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ही फैकल्टीज से किए हुए कर्म वो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ही करता है. प्रभु के ही कर्म करता है, दूसरे नहीं. वही जप यज्ञ करता है, श्रेष्ठ यज्ञ भगवान का जप करता है, ध्यान करता है, तप करता है. वाणी का तप, शरीर का तप, मन का तप, इन तपों की बात हो रही है. तपों की उनकी बात नहीं हो रही कि भूखा मर रहा है 40 दिन हो गए बाबा को, नहीं. या कांटों की सेज बना के लेटा हुआ है, नहीं. या चार तरफ अग्नि जला के अग्नि तपता है बाबा, ये तपों की बात गीता में भगवान ने नहीं कही है. इनको तप माना ही नहीं है, इनको तो शरीर को टॉर्चर करना कहा है, इनको तप नहीं कहा. वाणी का तप, अनुद्वेग कर्म वाक्यम, मीठे ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, मन का अहंकार को खो दे, ऐसी वाणी बोलिए, सत्य बोलिए. सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चय वांगमयम तप उच्चते. वाणी का तप है. हरि नाम जप कीजिए वाणी से, स्वाध्याय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे. उस प्रभु के पवित्र नामों का जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, भजन गाइए, मृदंग बजाइए, तबला बजाइए, प्रभु को रिझाइए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, इससे हमारा अहंकार नष्ट हो जाएगा. गाते गाते हजारों भक्तों को भगवान मिल गए, आपको भी मिल जाएंगे. औरन को शीतल करे आपो शीतल होए, ऐसी वाणी बोलिए जो दूसरों को भी आनंदित करे और आपको भी आनंद मिले. अनुद्वेग कर्म वाक्यम, सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चय वांगमयम तप उच्चते. ये तप है. ये तप नहीं कि एक टांग पर खड़े हुए बाबा हाथ ऊपर कर लिए, या खड़ेश्वरी महाराज झूले पे लटक रहे हैं, पांव फूल के हाथी पांव हो गए और इशारा दे रहे हैं, सीटी भजा भजा के मौन भी धारण कर रखा है कि बेटा चिलम बना, सिगरेट लाओ, चाय पिलाओ, दक्षिणा पांव में डालो, लोग पूजा करें. इस ये तो आडंबर है, ये आडंबर की पूजा है, ये तप नहीं है. देव द्विज गुरु प्राग पूजनम शौचम आर्जवम चयत ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्चते. ये शरीर का तप कहे हैं भगवान ने गीता में.
उस परमेश्वर की पूजन करना, देव द्विज, द्विज यानी महात्माओं का पूजन करना, गुरु अपने गुरु का पूजन करना, देव द्विज गुरु प्राज्ञ प्रज्ञावान पुरुष विद्वान ज्ञानी पुरुषों का पूजन करना, जिनका तीसरा नेत्र खुल गया है, ज्ञान चक्षु खुल गया है, प्रज्ञावान है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, भगवान के जो भक्त हैं, ब्रह्मचर्यम ब्रह्मवत आचरण करना, आत्मवत कि मैं आत्मा हूं, ऐसे दूसरे भी आत्मा हैं, हम सभी उस भगवान के अंश हैं, उनका परिवार है, सारा विश्व परिवार एक, विश्व है परिवार एक, नाना भांति धारे भीक, नाना भेद धारण किए हैं लेकिन परिवार एक ही है, उस प्रभु का परिवार है। लॉर्ड जीसस कहते हैं वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम सब भगवान के बच्चे हैं, और ये सत्य है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचम आर्यवम चयत, ब्रह्मचर्यम अहिंसा च, अहिंसक बनिए, दूसरों को कष्ट मत दीजिए, दूसरों को कष्ट दोगे तो आप लोगों को कष्ट मिलेंगे। एक्शन एंड रिएक्शन, कर्म का फल तो मिलेगा, बच नहीं सकते। आप किसी को कष्ट देते हैं तो आपको कष्ट ना आए, ऐसा हो सकता है? आप दूसरों को दुख देते हैं और आप दुखी न हो, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। नहीं, आपको आनंदित होना है तो दूसरों को आनंद दीजिए, दूसरों को स्माइल दीजिए, प्रसन्नता दीजिए। जैसे पौधे को, प्यासे पौधे को पानी डालते हैं तो पौधा खुश हो जाता है और तुरंत ही आपकी तरफ सुगंध छोड़ने लगता है, फूल देने लगता है। ऐसे ही जब भी आप आनंद बांटते हैं तब आपको आनंद घेरता है, और कोई जरिया नहीं है आनंद का। और आप दुखी होते हैं तो आप जान सकते हैं कि कोई मेरे ऐसे कार्य उदय हो रहे हैं, ऐसे कर्मों का फल आया है जो मैंने दूसरों को दुख दिया होगा, उसका फल अभी आ रहा है। आप आनंदित होते हैं तो आप जान सकते हैं कि कोई जरूर मैंने पूर्ण कार्य किए थे, अच्छे कार्य किए थे, दूसरों को आनंद बांटा होगा, इसलिए आज आनंद ने मुझे घेर लिया है चारों तरफ से। एक्शन एंड रिएक्शन, आप दूसरों को तकलीफ देते हैं, हिंसा करते हैं, कत्ल करते हैं, मारते हैं, काटते हैं, तो आपको भी उसका कष्ट आएगा, ऐसा ही कष्ट आपको घेरेगा। साइंस है, विज्ञान है, भगवान का विज्ञान। आप दूसरों को, इसलिए भगवान ने कहा है कि शरीर का तप है कि आप अहिंसक बने, हिंसक नहीं बने। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचम आर्यवम चयत, स्वाध्याय व्यसनम चैव वांगमयम तप उच्चते। ये वांगमय तप है, ये शारीरम तप उच्चते, ये शरीर के तप है। मन है प्रसाद है सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह। समय का भी ध्यान रखना पड़ता है, समय थोड़ा हो गया है आज का, फिर आपसे भेंट होगी। जय गुरु।